पहले पूर्ण स्वस्थ थी और पूर्ण स्वस्थ होकर के मैं पुलिस की कस्टडी में आई थी। अचानक कारण क्या हुआ, जब मैं स्वस्थ आई थी और जब मैं निकली हूँ तो मैं बिस्तर पे थी। कैंसर मुझे हुआ, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम मुझे हुई, हमारी न्यूरो की प्रॉब्लम मुझे हुई, सिर में आंख से लेके ब्रेन तक बस मुझे पड़ा। जितना बॉडी हमारी डैमेज हुई है उसका पूरा कारण कांग्रेस के सरकार की प्रताड़नाएं हैं, एटीएस की प्रताड़नाएं हैं। कंप्लीट एक नकली केस बनाया गया है जिसके बारे में मैं स्वयं साक्षी हूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है वो खुद जानता है या ईश्वर जानता है, तो जो अपराध नहीं करता है वह भी स्वयं जानता है। ऐसा है कि कांग्रेस की प्रताड़नाएं जो हुई वो तो निश्चित है। मैं पहले पूर्ण स्वस्थ थी और पूर्ण स्वस्थ होकर के मैं पुलिस की कस्टडी में आई थी। पुलिस की कस्टडी के बाद जो मेरी हालत हुई है, जो निरंतर गिरती जा रही है और मेरी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो मैं उनसे पीड़ित हूं, लगातार पीड़ित हूं। और ये हालत हमारी एक फिजिकल ट्रेंड, फिजिकल फिट व्यक्ति की जो हालत हुई है वो किसी और की नहीं हुई। और इसका अचानक कारण क्या हुआ, जब मैं स्वस्थ आई थी और जब मैं निकली हूं तो मैं बिस्तर पे थी। कैंसर मुझे हुआ, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम मुझे हुई, हमारी न्यूरो की प्रॉब्लम मुझे हुई, सिर में आंख से लेके ब्रेन तक बस मुझे पड़ा। और जिसके डैमेज, जितना बॉडी हमारी डैमेज हुई है उसका पूरा कारण कांग्रेस के सरकार की प्रताड़नाएं हैं, एटीएस की प्रताड़नाएं हैं। आप ये मानती हैं कि जांच अधिकारी जो शुरुआत में थे उन्होंने आपको प्रताड़ित किया था? मानती नहीं हूँ, किया ही है। और मैंने कोर्ट में भी जब थी तब भी कहा, और कोर्ट से निकलने के बाद जब मेरी जमानत हो गई उस समय भी मैंने मीडिया को कहा है, और मीडिया ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखी, कितना भी नकारेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और इसलिए आप लोगों ने भी देखा है मैं किस हालत में कोर्ट पहुंचती थी। सवाल ये है कि इस मामले में 323 विटनेसेस जो है वो एग्जामिन हो चुके हैं, 37 ऐसे विटनेसेस हैं जो हॉस्टाइल घोषित कर दिए गए हैं, तो कारण क्या रहा, आप क्या समझती हैं इसको? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उन्होंने वो अपनी की है, जिससे जैसा कुछ जिसने कहा होगा वो, जिसको जो लगा है वो कहा है। अब इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अपनी कोर्ट की प्रक्रिया में है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि प्रताड़नाएं दे देकर कंप्लीट एक नकली केस बनाया गया है जिसके बारे में मैं स्वयं साक्षी हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है वो खुद जानता है या ईश्वर जानता है, तो जो अपराध नहीं करता है वह भी स्वयं जानता है और ईश्वर जानता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा केस एकदम क्लीन है। साजी जी, 15 साल हो गए मुकदमा चल रहा है, अभी तक तो मुकाम पे नहीं पहुंचा है। आज बहुत अहम दिन था, 313 के तहत आप लोगों का बयान होना था, लेकिन आपने से एक आरोप नहीं पहुंचा। तो हर बार आरोप लगता है कि जो थोड़े वीआईपी बड़े आरोपी हैं वो आते नहीं है, मुकदमा चल जाता है। आप किसको वीआईपी कह रहे हैं? कई है इसमें, जानबूझ के लंबित किया जा रहा है, मुकदमे में लंबित किया जा रहा है। मैं कोर्ट के बारे में, सुनिए, ये प्रक्रिया कोर्ट की है, कौन आता कौन नहीं आता, ये उन्होंने क्या करना है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आदेश मिलता है मैं तब भी आती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ तो भी मैं बीच में से समय निकाल करके बिना बुलाए कोर्ट में मैं स्वयं उपस्थित हुई हूँ। इसलिए मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं कर्तव्य पूर्ण निर्वहन करती हूँ, चाहे वो कहीं का भी हो, सांसद हूँ तो वहाँ का भी, और मैं यहाँ एक प्रकरण में आरोपी हूँ यहाँ भी, मैं अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ा।